अभी चलते हैं अपन जैन मंदिर, लाल मंदिर काफी फेमस है दिल्ली का, सो वो दर्शन करके आते हैं। मैं भी जैन हूँ तो दर्शन करके आएंगे। और अभी चल रहे हैं 10 लक्षण पर्व, सो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें हम 10 दिन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोग फास्ट रखते हैं। सो वो दिखाते हैं और घूमते हैं और दर्शन करते हैं। सो लेट्स गो। वे टू कम्यूट इन दिल्ली इज मेट्रो। सो अभी अपन चल रहे हैं चांदनी चौक की तरफ और यहीं से येलो लाइन से आई थिंक 3 या 4 मेट्रो स्टेशन है, दैट्स इट। सो अभी जल्दी से पहुंच जाएंगे फटाक से, फिर आपको दिखाते हैं। गुड डे टू यू। अरे गेट नंबर 5 से बाहर निकल रहे हैं अभी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से। सो ये देखो भाई, बंदा बंद, देखो खचा खच भरा हुआ था। अभी अपन चलते हैं लाल मंदिर, पास पड़ते हैं यहाँ से, आई थिंक 200-300 मीटर ही होगा, चलते हैं। पहले बहुत बार आए हुए हैं बट अभी आना पड़ता है। तो ये देखो भाई, चांदनी चौक, पराठे वाली गली, मालीवाड़ा, जोगीवाड़ा, गुरुद्वारा साहेब, भागीरथ पैलेस, दरीवा कालान, लाजपत राय मार्केट, श्री गौरी शंकर मंदिर, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, रेड फोर्ट, अंजामा मस्जिद। भाई कितना बड़ा है ये चांदनी चौक, इतना कभी पड़ा ही नहीं था, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बट चलो, अपन का मंदिर का सही रास्ता मिल चुका है तो अपन यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज यार कोई गलत रास्ते में निकल जाओगे तो 400-500 मीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। और भाई तुम्हारा भाई फास्ट कर रहा है तो फिर इतनी हिम्मत होती नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ भी चला जाए। सो फास्टिंग मेरी कुछ ऐसी चल रही है, मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन मैंने उपवास किया था, डैट मीन्स आई हैव एट नथिंग, कुछ खाया नहीं था दिन भर, सिर्फ पानी पिया था, है ना। और दूसरे दिन मैंने एक बार खाया था, तीसरे दिन मैंने एक बार खाया, आज 4th डे है, तो लेट्स सी, आज एक बार तो खाऊंगा शायद। ट्राई तो सोच रहा था कि सारे फास्ट कर लूँ बिना खाए, बट पॉसिबल नहीं होता है यार, काम भी करना पड़ता है, फिर काम हैम्पर हो जाता है, फिर सही नहीं लगता है ना, और बॉडी भी थोड़ी सी अलग जोन में चली जाती है, सोते हैं, नींद आती है, बहुत नींद आई थी भाई पहले दिन तो। सो इसलिए अभी एक फास्ट अपन ऐसे ही करेंगे, सारे फास्ट ऐसे ही करेंगे, है ना। उसमें एक हो सकता है कि मैं जिसमें कुछ ना खाऊं, वो मतलब टोटल फास्ट करूं, और बाकी ये देखो भाई, ये खच्चा खच भरा रहता है 10-11 बजे से, ऐसा पड़ जाएगा क्योंकि 11 बजे मार्केट खुलता है ना भाई चांदनी चौक का, तो अभी तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। अभी यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट बाहर निकलते हैं, फिर नॉर्मल रेजिडेंट अंदर, बाहर की पब्लिक बाहर पूरी पूरे मतलब घूमने लग जाती है। चलो गुड डे टू यू। सो गाइस, फाइनली रीच टू लाल मंदिर, और अभी चलते हैं वहाँ से, एंट्रेंस है, लेट्स गो। एक इतनी सही लग रहा है, उसके बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद, पहले अंदर दर्शन ही नहीं कर पाया था लास्ट टाइम आया था जब, और बहुत सारी यादें भी हैं, बिकॉज जब मैं देहरादून अपने कॉलेज में था तो यहाँ आया करता था, दिल्ली में कोई भी काम होता था तो यहाँ रुका करते थे हम। चलो अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं। दिस इज द मेडिटेशन सेंटर, अभी कोई यहाँ है नहीं इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मस्त मैं भी थोड़ी देर बैठता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है, तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। तो
सो गाइस अभी आ चुके हैं मंदिर से बाहर और भाई काफी पीसफुल हो जाता है लाल मंदिर में जाना ऑलवेज अ नो क्वाइट प्लेस। अब वहाँ पर मेडिटेशन भी मैंने कम से कम आधे घंटे के आसपास किया सो काफी सही लग रहा है। अभी अपन पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन के फाइनली हेडिंग बैक टू होम और अब घर जा रहे हैं जल्दी से पहुँचते हैं भाई बहुत लेट हो चुका है 11 बज चुके हैं कुछ खाया भी नहीं है सो भूख भी लगी हुई है। गुड डे टू यू मिलते हैं घर पर। भाई जस्ट अभी पहुंचा हूं घर पे और 5 मिनट में कपड़े चेंज बहुत ही तेज भूख लगी हुई थी सो छोले वो है चटनी पूड़ी और ये सब जल्दी से खाना खाते हैं बहुत तेज भूख लगी है सो गुड डे टू यू। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 27 के वहां पे गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है और बहुत कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी सुना है कि आज हो रही है सो लेट्स गो एंड लेट्स सी क्या हो रहा है वहां पे। गाइस यहाँ पे अभी दर्शन हो चुके हैं और हम और संजीत बस बैठे हुए थे और दर्शन कर लिए और अभी जाते हैं थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी है यहाँ पे तो वो भी सुन। चलो गाइस ऑर्केस्ट्रा चलते हैं देखते हैं हम और एक्सप्लोर करते हैं भाई क्या क्या है वहाँ पे बाहर भी बहुत सही सीन हो रखा है लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ये देखो गाइस ये कम्युनिटी सेंटर का एक हॉल है मतलब कम्युनिटी सेंटर है क्या सही है भाई। ये देखो सामने ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो सारी जनता तो यहाँ बैठी हुई है। गाइस ये देखो मतलब चार्जिंग स्टेशन भी बना दिए यहाँ पे वो भी कम्युनिटी सेंटर में वाह भाई ऑब्वियसली गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर है भाई मजाक थोड़ी ना। ये देखो कार्स रखी हुई है भाई स्कोडा आई हुई है मतलब यहाँ पे एज अ ब्रांड स्पॉन्सर्ड। गाइस ये देखो स्टॉल्स लगी हुई है सारी बहुत सारी सिग्नेचर ग्लोबल से रेनॉल्ड से लेके स्कोडा और ये मेरे चॉकलेट शेक्स वगैरह और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी है प्रॉपर है ना और आगे खाने का भी है प्रॉपर महाराष्ट्रियन फूड मिल रहा है तो रो मैं तो कुछ खा नहीं सकता भाई बट ठीक है गुड डे टू यू। ये देखो महाराष्ट्रियन क्लॉथ नाइस वन ये शुद्ध तेल मिल रहा है भाई सही सही सही